A very, very good morning to you all, kids. And as you all know that we have finished the sixth chapter. The topic was the hot desserts. Okay, today we will discuss the let's recall, the new words and the back exercises. Okay, and I had given you the homework to do all these things. I hope you have done. If you have not, then you have the chance through this video that you can complete your back exercises. Then I'll discuss in the class also. Okay, so let us do it. The first thing is the let's recall. Let's recall आपको ज़रूर याद होना चाहिए because these are the summed up points of the chapter. आप पूरे chapter में जो भी कुछ पढ़ते हैं only these are the main points. अगर आप इन्हें याद रखते हैं then it means that you have completed the chapter. क्योंकि एक line से आपको बहुत सारी चीज़ें recall होंगी. That's why it's let's recall. यानी कि आपने पूरा क्या पढ़ा वो आपको recall करना है. So let us start it. The first sentence, the first point is desserts can be hot, temperate and cold. Desserts, hot desserts भी हो सकते हैं, temperate भी हो सकते हैं और very cold desserts भी हो सकते हैं जहाँ सिर्फ snow ही होता है. Okay, then hot desserts are located on the western side of countries between 15 degree and 30 degree north and south of the equator. That is the location where the deserts are located. Most of them are in the western sides of the continents, 15 degree or 30 degree north or south. Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, and then of the equator. Okay, Tropic of Cancer or Tropic of Capricorn ke aspas they are located. Okay, now the second point, the weather in the deserts is that of extremes. Jo वेदर होता है डिजर्ट्स में वो बिल्कुल एक्सट्रीम पे होता है. दिन जितना ही ज़्यादा गर्म और रातें उतनी ही ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं बिकॉज द सैंड जितनी जल्दी वो गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है. सो बिकॉज द स्काई इज़ वेरी क्लियर, कोई क्लाउड नहीं होता स्काई में, तो जब इंटरप्शंस नहीं होते बिल्कुल क्लियर स्काई होता है, इसीलिए डायरेक्ट सनरेज पड़ते हैं तो उतनी ही जल्दी वो हीट अप होता है और उतनी ही जल्दी रात में ठंडा भी हो जाता है. वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स इन द चैप्टर. ओके, सो द डेजर्ट्स रिसीव वेरी लिटिल और नो रेनफॉल, बहुत कम बारिश होती है और नो रेनफॉल. एंड द एग्जाम्पल ऑफ नो रेनफॉल सिंस सेवरल ईयर्स, जहाँ पिछले सालों से बारिश नहीं हुई है, दैट इज़ द अटाकामा डेजर्ट. ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट, द वेजिटेशन फाउंड हियर इज अडेप्टेड टू द क्लाइमेट एंड हैज़ स्पेशल फीचर्स सच एज लॉन्ग रूट्स, नो लीव्स, थॉर्न्स एंड थिक स्टेम्स. जो वेजिटेशन यहाँ, जो प्लांट लाइफ है वो अडेप्टेड है यहाँ के कंडीशंस के हिसाब से, क्योंकि वो तभी वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं. इफ़ दे आर नॉट अडेप्टेड देन दे कांट सर्वाइव देयर द हार्श कंडीशंस एंड द डिफिकल्ट थिंग्स ऑल अराउंड देम. सबसे पहली चीज़ जो उनके स्पेशल फीचर्स हैं, दे हैव लॉन्ग रूट्स, बहुत ही लंबी उनकी जड़ें होती हैं ताकि वो बिल्कुल नीचे तक वाटर के ढूंढने के लिए, वाटर की तलाश में वो बिल्कुल नीचे तक जाते हैं वो रूट्स, और ताकि थोड़ा बहुत भी उनका सर्वाइवल होता रहे, वो सर्वाइव कर सकें उस थोड़े से पानी से भी. नो लीव्स नहीं होते हैं क्योंकि लीव्स के थ्रू ही वाटर इवेपोरेट सबसे ज़्यादा होता है. सो नो लीव्स देयर. थॉर्न्स एंड थिक स्टेम्स, थॉर्न्स होते हैं और थिक स्टेम्स होते हैं. थिक स्टेम्स में दे सेव वाटर फॉर द फ्यूचर यूज. श्रब्स एंड बुशेज आर जनरली फाउंड हियर, बहुत बड़े बड़े ट्रीज नहीं होते हैं, श्रब्स और बुशेज पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा. देन द एनिमल लाइफ, इट्स ऑल अबाउट द एनिमल लाइफ देयर. द एनिमल्स हैव ऑल्सो अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द क्लाइमेट. जो वहाँ के एनिमल हैं वो भी उस क्लाइमेट के हिसाब से ही हैं. इट्स देयर नेचुरल हैबिटेट, सो दे हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स टू दैट प्लेस. सम ऑफ देम sleep during the day and come out at night. That's because they avoid the heat, जो बहुत टेम्परेचर हाई होता है दिन के समय में, उसे अवॉइड करने के लिए वो दिन के समय सोने चले जाते हैं और रात में बाहर आते हैं. The camel is the most important animal and is called the ship of the desert. Camel सबसे important animal है वहाँ और जिसे कि ship of the desert भी कहा जाता है. Now the next point. The main occupation of people here are animal rearing, trading, cultivation and mining. Some tribes found here are Bedouins and Tuaregs. Okay, जो main occupation वहाँ के लोगों का है वो animal rear करते हैं, उनके साथ उनका transportation भी easy हो जाता है, उन्हें milk भी उनसे मिल जाता है और skin को भी वो use कर लेते हैं. So they rear animals,
ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि वो एक जगह से दूसरे, मोस्ट ऑफ देम द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स आर द नोमैड्स, तो वो ट्रेडिंग में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक सामान पहुँचाना, लाइक द रग्स, द कारपेट्स, डेट, रोप, इस तरह की चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं. कल्टिवेशन एंड माइनिंग, दीज आर ऑल्सो द अदर स्पेशल ऑक्यूपेशंस दे हैव. सो दीज आर द मेन पॉइंट्स रिलेटेड विद द चैप्टर. नाउ लेट अस सी द न्यू वर्ड्स एंड देन द बैक एक्सरसाइजेस. द न्यू वर्ड्स हियर, द फर्स्ट वन इज टॉप सॉइल. टॉप जो सबसे ऊपर हो, सॉइल मिट्टी, द लेयर ऑफ सॉइल नियरेस्ट टू द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड, जो ग्राउंड सर्फेस के सबसे नज़दीक हो, सबसे ऊपर हो, टॉप सॉइल सबसे ऊपर की का जो सर्फेस बनाता है, दैट इज द टॉप सॉइल. ओके, देन बाबाब, अ शॉर्ट थिक ट्री फाउंड स्पेशली इन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया दैट लिव्स फॉर मेनी ईयर्स. ये जो ट्री होता है वो बहुत बहुत सालों तक सर्वाइव करता है, बहुत सालों तक रहता है. सैंड स्टॉर्म, a storm in desert in which sand is blown into the air by strong winds. जो आंधियाँ चलती हैं रेगिस्तान में, और क्योंकि बहुत बड़े trees वहाँ नहीं होते, बिल्कुल open area है, the sky is clear, so जो आंधियाँ चलती हैं, जो तेज़ हवाएँ चलती हैं, वो अपने साथ पूरे रेत को उड़ा करके एक जगह से दूसरे जगह तक लेते चली जाती हैं. so that's why it's called the sand storm, the storm or the wind that carries sand with it, जो अपने साथ रेत को भी कैरी करती है और एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा देती है. Then the last one is oasis, a place in the desert where there is water and where plants grow. Desert में एक वैसा place जहाँ पे water होता है, where the underground water comes to the surface, थोड़ा बहुत water वहाँ होता है और वहाँ पे अगल बगल उसके आसपास प्लांट्स ग्रो करते हैं और बहुत सारे जो दूसरी एक्टिविटीज़ भी हैं वहीं पे सेंटर्ड होती हैं, क्योंकि वहाँ पे वाटर अवेलेबल होता है. ओके, सो दीज आर द न्यू वर्ड्स, यू हैव टू लर्न ऑल ऑफ देम. नाउ लेट अस सी द फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन, डेजर्ट्स रिसीव डैश रेनफॉल, लिटिल रेनफॉल. ओके, बहुत कम बारिश होती है, बहुत थोड़ी सी बारिश होती है वहाँ. बी नंबर, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर फाउंड बिटवीन 15 degree and 30 degree north and south of the equator. Okay. Third one, during daytime temperatures in hot deserts are very, क्या होगा, high. Okay, बहुत ज़्यादा, बहुत raised होता है temperature दिन के समय में. In the dash desert it does not rain for years, Atacama desert. Okay, इस desert में सालों तक बारिश नहीं होती है. एंड द अटाकामा डेजर्ट इज इन साउथ अमेरिका. ओके, देन द लास्ट वन, द स्टेम्स ऑफ प्लांट्स इन द डेजर्ट आर, कैसे स्टेम्स होते हैं डेजर्ट प्लांट्स के, थिक एंड फ्लेशी. थिक होते हैं और फ्लेशी होते हैं. नाउ सी द मैच इट हियर, द नेम्स ऑफ द डेजर्ट्स आर गिवन एंड द लोकेशन वेयर दे आर लोकेटेड. यू हैव टू मैच इट विद द प्लेस. Sahara Desert is in Africa. Sahara and Kalahari, both the deserts are in Africa. Okay. Atacama Desert is in South America. Thar Desert is in India. Gobi Desert is in Mongolia. And Tundra, that is the cold desert, is in Russia. Okay. So, the match it is done. Now the MCQs. Choose the correct answer. फर्स्ट वन, विच ऑफ दीज इज़ अ हॉट डेजर्ट्स, इनमें से कौन सा डेजर्ट हॉट डेजर्ट है. अटाकामा, सहारा, कालाहारी, ऑल ऑफ दीज ये तीनों ही हॉट डेजर्ट हैं. ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ दीज ट्रीज आर फाउंड इन डेजर्ट्स, इनमें से कौन सा ट्री डेजर्ट में पाया जाता है. एकेसिया, कैक्टस एंड बायोबाब, ये तीनों, ऑल दीज आर फाउंड इन द डेजर्ट. विच एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, किस एनिमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं, दैट इज कैमल. ओके, डी नंबर, व्हाट टाइप ऑफ फीट डज अ कैमल हैव, कैमल के फीट कैसे होते हैं. इट्स पैडेड फीट कैमल इज हैविंग, क्योंकि उससे वो आराम से उस पर चल सकता है रेत पे. ई नंबर, इन विच डेजर्ट्स डू वी फाइंड कॉपर एंड नाइट्रेट, जो माइनिंग होता है डेजर्ट्स में, सो व्हाट द माइनिंग इज ऑल अबाउट. इट्स अबाउट फाइंडिंग द थिंग्स अंडरग्राउंड द सर्फेस, जो वहाँ स्टोर्ड है, जो वहाँ के
ये चीज़ें हैं जो डिज़र्ट्स में पाई जाती हैं. ऑयल रिफाइनरीज आर ऑल्सो देयर सो मच. सो द कॉपर एंड द नाइट्रेट, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा अटाकामा डेजर्ट में पाई जाती हैं. वहाँ इन्हीं की माइनिंग होती है, कॉपर और नाइट्रेट की. ओके, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फॉर्म द करेक्ट वर्ड्स. हियर द वर्ड्स आर गिवन इन ब्रैकेट्स, दे आर जम्बल्ड वंस. ये सारे लेटर्स जम्बल किए हुए हैं. यू हैव टू रीअरेंज देम एंड मीनिंगफुल वर्ड्स आपको फॉर्म करने हैं इनसे. अ ट्री फाउंड इन द डेजर्ट्स, यू हैव टू सी द स्पेलिंग and the trees found. I'll not say the answer of these ones. I'll just explain the question. You have to do this by yourself. I'll discuss it. Okay? Now, the next one. You have to do all these by yourself, the unscrambled ones, because all the answers are given. Answers diye hue hain bracket mein. Aapko sirf unhe rearrange karke meaningful words banane hain. So that much you can do, kids. Itna aap kar sakte hain. सो दिस इज़ द होमवर्क. एटलीस्ट आपको सब कुछ लर्न करना है और ये रीअरेंज करना है. दिस इज़ एन एनिमल फाउंड इन डेजर्ट्स. ये एनिमल है जो डेजर्ट पे पाया जाता है. AMECL. सो नाउ यू हैव टू रीअरेंज देम. दिस इज अ ट्राइब फाउंड इन नॉर्थ अफ्रीका एंड अरेबिया. द स्पेलिंग से गिवन EDOBIN U. कौन सा ट्राइब पाया जाता है नॉर्थ अफ्रीका और अरेबिया में, आप चैप्टर पढ़िए एंड यू फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग. दिस इज अ पैच ऑफ लैंड इन द डेजर्ट दैट हैज वाटर. ये वैसा एरिया होता है डेजर्ट में जहाँ पे पानी मिलता है, वेयर द वाटर इज फाउंड. सो द जंबल लेटर्स आर ASOIS. सो रीअरेंज एंड मेक द करेक्ट वर्ड. This is a country rich in petroleum. ये जो country है वो petroleum में बहुत rich है. बहुत ज़्यादा यहाँ से oil export किया जाता है. UWIKTA. Okay, you'll get all the words in your chapter. आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे then you'll get all the words there. Okay, now let us discuss the question answers. You write them. You just try to do them. I'll send you the written ones. But तब तक हम लोग इन्हें discuss कर लेते हैं. Mention the different types of desserts found in the world. जो अलग अलग तरह के desserts पाए जाते हैं world में, like the hot ones, the moderate and the cold desserts, उनके बारे में आपको बताना है कौन कौन से dessert कहाँ पाए जाते हैं. Describe the climatic conditions in the desert. डिज़र्ट का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, मीन्स डे टाइम कैसा होता है, नाइट कैसी होती है, बारिश कितनी होती है, टेम्परेचर कितना राइज करता है या कितने नीचे तक जाता है, ऑल दैट यू हैव टू डिस्क्राइब. हाउ हैव प्लांट्स अडेप्टेड देमसेल्व्स टू डिज़र्ट लाइफ. किस तरह प्लांट्स ने अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है डिज़र्ट लाइफ के लिए. क्या क्या फीचर्स होते हैं जो डिज़र्ट लाइफ में होते हैं प्लांट्स के, वो आपको बताने हैं. What makes the camel specially adapted to the desert? और camel में भी जो special features होते हैं जिसके कारण वो इतना adapted है वहाँ survive करने के लिए, वो कौन कौन से special features हैं, that you have to mention. And what are the main occupations of the people of the desert? कौन कौन से main occupations हैं desert में रहने वाले लोगों के, क्या क्या वो करते हैं, किस तरह उनका survival चलता है, किन occupations के through, that you have to mention. So you have to do all these answers, जितना भी आप कर पाएं, जैसे भी आप लिख पाएं, you frame the proper sentences और आप लिखिए in rough, you try to do it. On the next scheduled day, I'll send you the answers, then we will discuss it in the class also. Okay? So till then, you have to learn the let's recall, new words and try to frame your own answers. Okay, and then when I'll send you the answers, you have to match it with them. अभी आप rough में करेंगे, don't do it in your copies, because I think you have submitted your copies also. So do it in the rough ones. Okay, thank you.